Welcome, our valuable watcher. You are in right place. Every type of technology is here. Do not forget to subscribe to Tech with Aaryan YouTube channel. Happy watching. Subscribe our channel by clicking the subscribe button. If you are Android user, click the bell icon for know more about our latest updates. Welcome guys, HTML के एक और ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद ये HTML का वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अब से आपको HTML और C प्रोग्राम के वीडियो लगातार मिलेंगे, ये मैं आपको पक्के तौर पे बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले HTML पार्ट 4 है ये, और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्या है कोटेशन, क्या है कमेंट्स। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानने वाले हैं, तो आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, आज आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हेलो व्यूअर्स, आर्यन हियर एंड यू आर वॉचिंग इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड टेक विद आर्यन। Tutorial start now. तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की सैटरडे और संडे दोनों ही लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो आप आना मत भूलना और कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना, क्योंकि मैं कम्युनिटी में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बट अब दोस्तों चलिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि HTML फॉर्मेटिंग क्या है, कोटेशन क्या है और HTML कमेंट्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जो कि HTML यूजुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी तरीके से वर्क करती है वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये फ्रंट एंड में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अब इसके लिए मैं आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड समझाता हूँ कि इसके लिए क्या होगा। तो चलिए, वेबसाइट में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप साइट ब्राउज करते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड उसको बोलते हैं दोस्तों जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो हमें अपने स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और बैक एंड उसको बोलते हैं जब आपके पास कोई यूजर इन्फॉर्मेशन आपने डाली, ठीक है, अगर गूगल में जीमेल अकाउंट क्रिएट किया और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, पूरा फॉर्म आपके सामने आया, फॉर्म फिलअप किया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, और जो फॉर्म बन के आपके पास जो एक अकाउंट बन गया, तो वो डेटा आपका जहाँ पर स्टोर हुआ, फिर डेटा को कैसे एक्सेस करना है, पासवर्ड कैसे रखना है, कैसे स्टोर करना है, और ये सब पूरा सेटिंग्स होगा, वो पूरा बैकएंड में होगा, ठीक है। यानी कि वेबसाइट की ब्राउजिंग जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है वो पूरा होता है बैकएंड में। तो ये बैकएंड वाली चीज़ें जो पूरा काम करता है, वो काम करता है या तो PHP होता है या पाइथन होता है या फिर ASP.NET भी होता है बैकएंड के लिए। तो अब यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में केवल साइट को डिस्प्ले करना होता है। तो HTML जो है वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, और साइट को डिस्प्ले करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट HTML केवल टेक्स्ट को एक मार्कअप में क्रिएट कर देता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको फुल फॉर्म भी है, तो एक टेक्स्ट को मार्कअप करता है। लेकिन फ्रंट एंड में भी पूरी तरीके से यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के साथ HTML अपना कॉम्बिनेशन करता है और फिर जाके पूरा प्रोग्राम बनता है। तो चलिए, सबसे पहले बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको जो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किस तरीके से यूज करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग साइड पे, ठीक है। ओके, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ऑनलाइन साइट से आपको सिखाता हूँ पूरा कोर्स, तो अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो जाके पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे वीडियोस देखना। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस मतलब मेरे पास है उसको पूरा मैं वीडियो में डाल के शेयर करता हूँ आपको कि ये चीज़ें क्या कहना चाहती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर इसका मतलब जो इसमें कुछ कुछ प्रोग्रामिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज है, इसलिए आप मेरे वीडियो से सीखे तो भी आपको चलेगा, अगर आप इसमें जाके पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। ओके, मैं बैक आ जाता हूँ, पूरी तरीके से मैक्सिमाइज है। तो जो लोग, मैंने मैक्सिमाइज करने के लिए इसलिए गया था क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो लोग इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले सके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, जिस तरीके से उसको बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, और ये पूरा एक फॉर्मेट दिया गया था, और आपको ये एमएस ऑफिस में ये सारे वर्ड से आप वाकिफ होंगे जो लोगों ने एमएस ऑफिस सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पहले तरीके से स्टार्ट हुआ, पहले इन लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से मतलब इसका मतलब क्या होता है, पूरा एक एग्जांपल दिया है हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, मैंने पिछले वीडियो में मैंने HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, एट्रीब्यूट के बारे में भी मैंने बता दिया था कि एट्रीब्यूट क्या है और इसको किस तरीके से वर्क कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट, हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि एट्रीब्यूट से हम लोग
छोड़ो कि टेक के बाद स्पेस देखने के बाद हम लोग जो देते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और ये पूरा वर्क में यूज होता है। अब दोस्तों HTML also define a special syntax, ठीक है? HTML के पास एक special syntax होती है जो कि एक specific word को बनाती है, यानी कि कुछ अगर sentence हमने bold में लिखना है, फिर कोई mark करना है language को, कुछ भी sentence को, तो आप HTML के पास उसका एक special tag है, ठीक है? अब दोस्तों HTML use करता है b> और m> जो कि use किया जाता है बोल्ड टेक्स्ट को फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए या फिर इटैलिक टेक्स्ट को, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो टैब्स डिजाइन किए गए वो स्पेशल टाइप के फॉर्मेट्स मतलब फॉर्मेट्स में फॉन्ट को डिस्प्ले करेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। HTML टोटल 10 टाइप्स के फॉन्ट डिस्प्ले कर सकता है। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट strong, italic text के लिए less than i, emphasize text के लिए m, less mark mark, यानी कि ये होता है पूरा mark text, small text, less del del। अब जो del del जो less than del greater than है वो एक deleted text को display करता है। INS यानी कि less insert greater than वो inserted text को format करता है। Less sub यानी subscript text को ये display करता है। Less sup यानी superscript text को display करता है ये। Okay, इतने सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब मैं पूरा explain नहीं करूँगा, आपको कुछ text को मैं display करके दिखा देता हूँ और हम लोग ये पूरा chapter आगे ले जाके close करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए दोस्तों इस सबकी प्रैक्टिस आपको बस आपको किस कब कौन सी चीज़ चाहिए वो जरूरी है, ठीक है? टेक्स्ट पे सही रहेगा तो मैं फिर HTML बना देता हूँ। अब दोस्तों मैंने जो जो टैग स्टार्ट किए थे वो टैग्स को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो टैग मैंने स्टार्ट किया वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है मुझे। तो मैंने सोचा कि पहले उसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि आप भी जब कभी कोई बड़ी साइट बनाने के सोच रहे हो, जब बड़ी डेवलपिंग कर रहे हो, तब आपको ये करना जरूरी है। जब कभी आप कोई साइट को मतलब टैग कोई भी स्टार्ट करते हो तो उस टैग को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है? जब आपने क्रिएट किया तभी कंप्लीट कर दो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है? ये मैं क्या लिख रहा हूँ ये सब ये आप सबको मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर जो लोग भी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है? मैंने लेस टाइटल ग्रेटर देन अभी यहाँ पे कोई टाइटल देते हो कि HTML ट्यूटोरियल less title greater, okay? अब मैं हेड में मेरा चार से देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, UTF-8 की वगैरह वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। मैं बैक चला जाऊंगा, मतलब यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो हमें बॉडी स्टार्ट हो गया अपना, एंड अब हम लोग बॉडी के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं H1 देता हूँ, अभी यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं, चाहे तो इसको हम लोग दे देते हैं दिस इज नहीं, यहाँ पे केवल एज जो हमारा टाइटल है वही टाइटल देंगे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हमारा ये रेडी है फ्रेम। यहाँ पे मैं एक पी टेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, पैराग्राफ लूंगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, जो कहेगा दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ आर HTML वीडियोस। ओके, ऑफ आर HTML प्रोग्रामिंग, ऑफ आर HTML वीडियोस, कुछ भी रह सकता है, तो उसको मैं लिखना चाहता हूँ बोल्ड में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे
बोर्ड में लिखना है मुझे उसको, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा लेस बी ग्रेटर, ठीक है, ये इसका साइन है लेस बी ग्रेटर। तो ये आपको, ये पूरी फाइल आपको मैंने प्रैक्टिस की हुई मिल जाएगी आपको वहां पर। अब यहाँ पर आप ये लेस बी ग्रेटर, अब मैं उसके अंदर यहाँ पर, उससे पहले मैं क्लोज के अंदर लेस बी ग्रेटर देन में क्या, अब ग्रेटर देन के बगल में लेस लेस बी ग्रेटर देन, ओके। तो ये मैंने एक ही लाइन में पूरा कर दिया, क्योंकि ये लोग यूजुअली ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं आपको एक लाइन में कंप्लीट करने होते हैं। ये देखिए मैंने एक ही लाइन में पूरा किया है, मैंने राइटर से आपको एक्सप्लेन किया। ग्रेटर के बाद में आ जाऊंगा मुझे, क्योंकि लेस लेस बी ग्रेटर और लेस लेस बी ग्रेटर के बीच में लिखना है, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन जो लेस बी ग्रेटर है उसके बाद में मेरा कर्सर है, मैं यहाँ से कुछ भी लिखूंगा तो ये दोनों टैग के बीच में लिखा जाएगा। अब इन दोनों टैग के बीच में, ओपनिंग ओपनिंग टैग एंड एंडिंग टैग, ये दोनों के बीच में जो कुछ भी जितना भी लिखोगे ये पूरा पूरा हो जाएगा बोल्ड में। तो मैं लिखता हूँ अपना हो गया इसका प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ब्रेक देंगे, ओके, लेट्स बी आर ग्रेटर देन एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इटैलिक टेक्स्ट, ओके, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ऐसा मैं लिख देता हूँ कुछ भी, लेस आई ग्रेटर लेस स्लैश आई ग्रेटर। अब गाइस अब देख लीजिए आप यहाँ पर जो बोल्ड है उसमें किया गया है मेरे द्वारा, अब देखिए जो ऊपर का बोल्ड है उसकी लाइन मैं आपको सुनवाता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सुनने में आए। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा, फिर पूरा टेक्स्ट एंड लेस बी ग्रेटर, ये पूरा मार्कअप है इसका, पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म में ये लिखा जाता है पूरा। तो अब नीचे मैंने आई दिया है, ठीक है, अब बी फॉर बोल्ड यानी वो बोल्ड के लिए, आई फॉर इटैलिक तो वो इटैलिक के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज रीड इट, ओके, रीड मैं यहाँ पे रीड नहीं लिखता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ और लिख देते हैं, माय स्पेलिंग इज लिटिल स्लो लिटिल वीक एज यू कैन से एज यू कैन सी माय स्पेलिंग इज लिटिल स्लो, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लीज रीड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस वेब पेज। तो अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट शो करना है, शो करना है कि जो पूरी तरीके से बता रहा हो कि ये वेब पेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको ये यूज करना होगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहली टेक्स्ट टाइप करते हैं, विच इज शो दैट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैंने यहाँ पर सारे टेक्स यूज नहीं किया। अब आपको एम फॉर हम लोगों ने देखा था वो टेक्स्ट और डिस्प्ले होता है, एस फॉर एस यू बी फॉर सबस्क्रिप्ट,
SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट, तो अगर आप चाहो तो वो सारे टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से आपको पूरा ट्राई मेहनत करना है, बट मैं जो चीज़ें थी जो नीडेड वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और HTML में काम ही यही है, आपको सारे टैग्स याद रखने हैं, ठीक है, बट उसको कैसे लिखना है पूरा मेथड में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, less p greater, ओके। अब मैं इससे बाहर जाऊँगा ऑटोमेटिकली मेरा जो उसका जो स्पीड है वो नॉर्मल हो जाएगा। फाइल नेम हम लोग देंगे HTML पार्ट 4 अच्छा गाइस, हम लोगों को एक फोल्डर चाहिए हुआ है, फोल्डर जिसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कर पाए, तो हम यहाँ पे लोकल डिस्क पे एक फोल्डर बना लेता हूँ ये क्रोम में पूरा लोड होगा बेसिकली ये चीज एंड अच्छा इंसर्ट प्लस एफ टाइप करेंगे तो ये पूरा शो करेगा फॉन्ट इज बोल्ड, जो उसका कमांड है इंसर्ट प्लस एफ, आई डोंट नो अबाउट एनवीडीए। अच्छा प्लीज रीड दिस टेक्स्ट, हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती किया कि बी आर नहीं दिया इसको, बट ये देखिए अब मैंने रीड और दिस के बीच एक स्पेस नहीं दिया है, तो ये एक्चुअली राइटिंग प्रॉब्लम है, इट इज नॉट वेब पेज प्रॉब्लम और नॉट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके तो देखिए यहाँ पे मैं पी प्लीज के पी पे हूँ, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो उसका और आपको फॉन्ट चेक करना है तो आपको पता है कहाँ पे होना चाहिए, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है फॉन्ट इज इटैलिक, ओके इट इज मोस्ट, अब यहाँ पे इट इज मोस्ट यहाँ पर पूरा है तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा तो ये पूरा बोल्ड हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में। तो मैं यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हूँ, ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वाला जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा था, मैं उस सेंटेंस में हूँ और तो उसमें देखिए उसमें क्या डिलीट करा है मेरा जो फॉन्ट इज बोल्ड टाइम न्यू रोमन 12 पॉइंट, ओके, और ये प्लीज वाले सेंटेंस में आऊँ तो मैं यहाँ पर आ रहा है इटैलिक, तो ये पूरा फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है अपने सामने, ठीक है। तो जब आप एक एज अ वेब डेवलपर बन रहे हो तब आपको टेक्स्ट में HTML की मार्कअप वगैरह करना पूरी तरीके से आना होना चाहिए, आता होना चाहिए कि पूरी तरीके से आपको समझ में आए कि HTML को किस तरीके से एडिट करना है, आपको किस तरीके से उसको जो है बेसिकली देना है आपको अपनी वेबसाइट को स्टाइल किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये आपको आता होना चाहिए। तो पहले से आता है अगर आपको तो ये बहुत अच्छी बात है, तो जब आप कोई वेब डेवलप करो तब आपको इसकी कोई जरूरत ना पड़े, तो बेसिकली मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसका कोई हमें अब हम लोग को बेसिकली HTML कमेंट्स पे है, हम लोग नाउ वी आर ऑन HTML कमेंट्स, उससे पहले हम लोग HTML quotation elements, ओके ये पूरा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Size, width of my set, match of my set. What happened? The same limit menu is HTML, visit with HTML, quotation.
ओके एचटीएमएल क्वोटेशंस. तो बेसिकली गाइस अगर आपने देखा होगा तो कुछ कुछ वेबसाइट क्या कि ब्लॉग क्वोट ऐसा अपना स्क्रीन रीड करता है और ब्लॉग क्वोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है और ऐसे ऐसे कुछ भी लिखा होता है ठीक है वेबसाइट में, तो उसको किस तरीके से लाना है अपने वेब पेज में, उसको किस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज में लाएंगे, उसको किस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज में एज अ प्रैक्टिकल ऐड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको सिखाई जाएगी ठीक है. और एचटीएमएल कमेंट्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बट उससे पहले हम लोग ये एचटीएमएल क्वोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. और ये अपना सेकेंड टॉपिक है इस वीडियो का जो कि एचटीएमएल का है. एंड हम लोगों ने मैंने सोचा था गाइस कि एवरी वीडियो में हम लोग तीन चैप्टर कवर कर लेंगे एचटीएमएल के, तो ये है एचटीएमएल क्वोटेशन के ऊपर का मेरा वीडियो. तो चलिए हम लोग क्वोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स. ओके ये साइटेशन एलिमेंट्स है और एचटीएमएल क्वोटेशन एलिमेंट्स है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. देखा इस तरीके से ये पूरा वेब पेज में शो करता है, इन लोगों ने प्रैक्टिकल दिखाया है. ब्लॉक क्वोट एंड ब्लॉक क्वोट साइटेड इस तरीके से पूरा एंड में आ रहा है ब्लॉक क्वोट एंड, ये पूरा इसका एग्जांपल है. अब यहाँ पर हम लोग जो लोग शॉर्ट क्वोटेशन देना चाहते हैं उनके लिए लेस क्यू ग्रेटर है, तो मैं गूगल क्रोम ऐसे एक विंडो मेरा जो काम है ये गूगल क्रोम इस विंडो पे करे ताकि मैं कुछ भी लिखूं तो वो वाला हमारा जो पेज है वो क्लोज ना हो जाए. तो चलिए यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल को स्टार्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर हम लोग HTML quotation इसका पूरा टाइटल देंगे, HTML block quotes ऐसे टाइटल देते हैं हम लोग इसको. Okay guys, यहाँ पे हम लोगों ने इतना दे दिया. Sorry, I forgot to SMS the window. Okay, so ये अपना काम इतना हो चुका है. So now we are going to add a short quotation in this video, in this web page. So I'm going to add H1 tag. This is yeah, हम लोग दे दे इसको. Block quote. Okay guys, so now we are going to add the P tag. अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप लोग P में ही लिखो इसको, जहाँ जैसे आपकी जरूरत है वैसे आप लिख सकते हो. बेसिकली मुझे इसकी जरूरत P में है, सो मैं इसको P में लिख रहा हूँ. एंड ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू ऐड शॉर्ट कोटेशन विच इज इट इज short quotation quote. इसको हम लोग इतने ही रहने देते हैं शॉर्ट क्वोट. और यहाँ पे क्यू को मैं खत्म कर देता हूँ. क्यू ग्रेट. ओके गाइस, सो इट इज आवर कंप्लीट एंड इसको सेव करेंगे. Okay. So,
Quad. Okay. तो हम लोग इसका थोड़ा सा स्क्रीन रीडर यूजर समझ पाए ऐसे बना यहाँ पे 8 से पहले मैं इस पे एंटर दे देता हूँ और इट इज शॉर्ट क्वाट. ओके पूरा एक लाइन में आ रहा था तो मैंने इसको एक लाइन से हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बी आर टेक का यूज करते हैं. ठीक है अब देखिए दोस्तों, अब बी आर टेक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको इसके बीच यूज करना है, बट ये आपकी नीड हुई तो आपने यहाँ पर इसको उस बी आर टेक को आपने अपने यहाँ पर यूज किया. ठीक है, तो ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर कौन सा टेक यूज करना है. मैंने कहने का मतलब अच्छा दोस्तों देखिए पूरा कितना अच्छे से मार्कअप हो गया है. मैंने इसको मैक्सिमाइज किया. अब देखिए इट इज ब्लॉक क्वाट, उसके बाद एक स्पेस आ रही है, ये क्वाट की साइन है. ठीक है, तो बहुत जगह पे क्वाट की साइन जो बहुत लोग चाहते होते हैं कि किसी भी चीज के पहले क्वाट की साइन हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या फिर किसी का कहना जो होता है ना, उसको यूजुअली डबल इंडेंटेड कॉमा जो होता है यानी क्वाट होता है उसके अंदर लिखते हैं, उसके क्वाट पहले आ रहा है यहाँ पे. उसके बाद डाउन एरो जो उसका मैं प्रेस करूंगा तो उसका जो सेंटेंस हम लोगों ने क्यू के बीच में लिखा है वो आ रहा है. देखिए इट इज शॉर्ट क्वोट. अब डाउन एरो करूंगा, यहाँ पे क्वोट ओवर हो गया. ठीक है, तो ये पूरा एक क्वोट का सिस्टम है. अब दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे. ओके गाइस, एचटीएमएल लेस ब्लॉक क्वाट ग्रेटर फॉर क्वोटेशन. अब ये थोड़ा बड़ा क्वाट लगता है जो कि बिग क्वोटेशन पे लगता है. जो इसका टैग है वो है लेस बी एल ओ सी के क्यू यू ओ टी ई ग्रेटर देन. ये पूरा इसका टैग है ब्लॉक क्वाट, जो कि इसके अंदर पूरी बड़ी साइज की चीजें लिखी जा सकती है. अब दोस्तों लेस एचटीएमएल ब्लॉक क्वाट जो ग्रेटर है वो प्रोवाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी अनदर सोर्स से ली गई है, ये डिफाइन करता है. यहाँ पे जो ब्राउजर है वो इंडेंट देता है ब्लॉक क्वाट को. एग्जांपल है अब दोस्तों यहाँ पे पूरा ब्लॉक कोड का एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस इन लोगों ने लिखे हैं. ओके, तो इन लोगों ने ये पूरा लिखा है अपनी ओर से, तो मैं इसको इन लोगों ने लिखा है. ओके, तो मैंने इन लोगों का जो सेंटेंसेस है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ. ये क्यू के अंदर हम एंड में जाएंगे, बी आर को यहाँ पे यूज किया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, कंट्रोल एस, देन वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट पी लेस पी ग्रेटर. और यहाँ पर एक सेंटेंस इन लोगों ने दिया था, वो सेंटेंस मैंने पेस्ट किया. वो गाइस टेक्स्ट स्टेटस था, कोई सिंटेक्स नहीं थी, तो वो एक टेक्स्ट पूरा सेंटेंस है. तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा स्पेलिंग लिखना चाहूंगा, हियर्स जो पूरा इन लोगों ने दिया है उससे अच्छा मैंने इन लोगों की सेंटेंस को कॉपी कर लिया. ठीक है, अब उसके बाद इन लोगों ने ब्लॉक कोड को स्टार्ट किया, तो हम लोग ब्लॉक कोड को स्टार्ट करेंगे. सिंटेक्स है लेस बी एल ओ सी के क्यू यू ओ टी ई. अब उन लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज किया था, वो था साइट. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. CITE, ओके, ये पूरा इसका एलिमेंट है CITE, ओके, CITE एक एट्रीब्यूट है. और मैं गाइस आप लोगों को जरूरी नहीं कि इसकी ओर से ही आपको ऐसा ही मेथड लिखना है, लेकिन आपको कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड करना होगा कि ये ब्लॉक कोड साइट इसकी कौन सी होगी. साइट एट्रीब्यूट जो मैंने दिया है SITE यहाँ पे जो लिखा हुआ है CITE, सॉरी गाइस साइट इक्वल टू, इसमें इन लोगों ने जो भी आपको जो भी साइट देनी है वहाँ पे दे सकते हो. स्पेस लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आएगा
स्टार्ट इक्वल टू, अब डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। अब ये डबल कोट के बीच का कोई भी साइड का नाम देना होगा जिसके ओर से ये सोर्स पूरा आ रहा है, ठीक है। ये सोर्स कौन सा भी हो सकता है, जिसमें भी आ रहा है उसका आपको पूरा नाम देना होगा और जिसके जरिए जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अब यहाँ पर एंड में एक ग्रेटर देन की साइन लगती है जो कि मैंने पहले नहीं की थी। अब हम लोग वहाँ से एक साइड की नेम जो है वो कॉपी करेंगे, बट इसके नीचे चाहे यहाँ पे एक साइड का जो इन लोगों ने दिया है वही साइड दे रहा हूँ मैं, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगे ताकि। ये पूरा जितना भी था मैंने साइड को कॉपी किया और हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, यानी कि इस सोर्स से लिया गया है ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये शो करता है, ठीक है। अब उन लोगों ने, अब यहाँ पर आपको जो भी अपना पैसेज लिखना है लिख सकते हो, वहाँ पर एक पैसेज है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इतनी चीजें हैं मैंने कॉपी कर ली है, पूरा एक पैसे सिस्टम गाइस। हालांकि मैं कुछ अपना चाहता तो पैसे लिख सकता था, बट लोगों ने बहुत बड़ा पैसे दिया है तो मैंने वो कॉपी कर लिया। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कॉपी कर ली है, देन वी आर गोइंग टू, अब हमने वहां पे ब्लॉक कोड स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंड में हमें ब्लॉक कोड को क्लोज करना होगा, लेस लेस आपको जो भी आप पूरा पैसे लिखना है वो लिखिए, फिर बी एल ओ सी के ब्लॉक क्यू क्यू ओ टी ई ग्रेटर और ये कंट्रोल एस स्टे हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, आ गई है गाइस। अब देखिए कोई भी सेंटेंस आता है उससे पहले आ रहा है साइटेड, ब्लॉक कोड यहाँ पे पहले आ रहा है यस फ्रॉम WWF वेबसाइट कोलन। अब उससे पहले देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ साइटेड फ्रॉम ओके गाइस ब्लॉक कोड साइटेड फ्रॉम, ये पूरा पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्क्रीन रीडर भी रीड कर रहा है, तो ये सेंटेंस से पहले ये जरूरी लिखा हुआ गया, फिर ये पूरा पैसेज यहाँ पर आ गया और एंड में लिखा रहा है ब्लॉक कोड एंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा वेब पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और ये आपको तब जरूर होगा जब आप वेबसाइट में किसी अननोन सोर्स का यूज कर रहे हो और उसकी पूरी साइज की आपको, उसकी पूरी साइट की आपको क्रेडिट्स देनी है या फिर उसकी पूरी साइट की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तब ये पूरा चीज डिलीट करेगा आपको और पूरा चाहिए होगा, ठीक है। तब जाकर आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है एब्रिशिएशन के लिए, ABR ग्रेटर देन है जिसका यूज करके आप जो एब्रिशिएशन होता है वो पूरा कर सकते हो। तो ये आपको अपने अब दोस्तों जो है ABR के बीच में जो लिखा जाता है वो यूज होता है कि जब आप सर्च इंजिन को भी आप इसको बता सकते हो कि जब सर्च इंजिन में कोई WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सर्च करता है तो आपकी साइट पहले आनी चाहिए, ऐसे अगर आपको करवाना है तो ABR में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको। यहाँ पे देखिए पूरे इसका सेंटेंस आ रहा है तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग लिखते हैं लेस देन P में, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेस ABR। अब इसका एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा आपको, वो होगा टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट है लेकिन इसका टाइटल आपको देना होगा कि ABR का टाइटल क्या रहेगा, जिसे कोई अगर सर्च करे तो वो आपका पहले आए, ठीक है।
TITLE equal to quot WHO. Quot WHO. Less slash ABR greater than less slash P. मैं वहाँ से पैसे इसलिए कॉपी कर रहा हूँ गाइस क्योंकि पूरा पूरा सोचने की जरूरत ना पड़े हमें, ठीक है? तो हम लोग ए बी आर ग्रेटर देन के बाद हम लोग कुछ लिख देते हैं इन इन 1948 कितना लिखा था, इसका टाइटल आपने दिया था WHO, उसके बाद आपने दिया था WHO दोनों के बीच में ग्रेटर साइन के बाद आपने दिया WHO, फिर क्लोज कर दिया था, ठीक है, एबीआर टैग को, और उसके बाद आपने लिखा था इन 1948। तो यहाँ पर देखे सिर्फ इन 1948 ही शो कर रहे हैं, तो जो ये एबीआर में लिखा गया है सर्च इंजन के पास चला गया है, और अगर आप कोई भी सर्च करेगा WHO तो आपका जो साइट होगा वो टॉप पर रहेगा क्योंकि सर्च इंजन को ये हेल्प करता है एबीआर। तो उसके साथ हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, अब लोग हम लोग का काम खत्म हो चुका है एबीआर का जो मुझे बताना था आप लोगों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि एड्रेस, अब इसमें एक और चीज नहीं आ रही है एड्रेस। जब आप कोई भी काम करते हो तो अपना कोई भी एड्रेस दे देते हो, ठीक है, इन लोगों को कि आपकी अगर कोई साइट है तो आप उसको एड्रेस दोगे अपने विजिटर्स को कि मुझे अगर मिलना है या फिर कुछ भी करना है तो यहाँ पर आके मिलो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट और ऑनर है उसका आर्टिकल का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करता है HTML एड्रेस गेटर। ओके, तो जो ये HTML जो है वो एड्रेस गेटर है वो इटैलिक में डिस्प्ले करता है पूरा उसके अंदर जो लिखा जाता है, और मोस्ट ब्राउजर जो जो सारे बड़े बड़े ब्राउजर है वो इसके बाद इसके पहले एड्रेस से पहले और एड्रेस के बाद एक ब्लैंक लाइन देते हैं ताकि लोग सही से इसको पढ़ पाए। अब यहाँ पर एग्जांपल आ रहा है, ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको लिख कर बताऊंगा। तो इसमें पूरा अब यहाँ पर हम लोग एड्रेस टैग को स्टार्ट करेंगे, ADDRESS, ओके, एड्रेस ग्रेटर देन, दो बार एंटर कीजिए, यहाँ पे एड्रेस टैग को क्लोज कीजिए। अब दोनों के बीच में आ गया हूँ और सिंपल यहाँ पर हमें अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो लिखता हूँ अब यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्ट मी जब ये एड्रेस टैग आप अपनी साइट में दे रहे हो तब उस हर लाइन के बाद एक बी आर टैग देना ना भूलेगा ताकि ब्रेक हो जाए लाइन। कॉन्टेक्ट मी एट यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है माय नेम इज आर्यन, कॉन्टेक्ट मी एट techwithaaryan@gmail.com। बट दोस्तों ये आप चाहे तो इसको पैराग्राफ में आप लोग कहोगे कि ये पैराग्राफ में लिख मैंने क्या गलती है, पैराग्राफ में तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं तो पैराग्राफ में क्यों नहीं लिख सकते। बट बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है पैराग्राफ में लिखने से कि ये इटैलिक में नहीं आता और जो ऐसा एड्रेस शो करना चाहिए वैसा एड्रेस शो नहीं करता, ठीक है। अब देखिए कॉन्टेक्ट मी एट ये इटैलिक है, ठीक है, तो ये पूरा इटैलिक फॉन्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। और आप लेस आई ग्रेटर के बीच कितना लिखोगे, तो ये एड्रेस टैग बिल्कुल हेल्पफुल है। अब इसका एक और टैग है यहाँ पर, अब वर्ड टाइटल के लिए साइट ग्रेटर है, ठीक है,
अब दोस्तों ये साइड ग्रेटर है, ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा आपको और ना ही है हम लोगों को कोई भी यूजफुल होता है। आज तक मैंने एचटीएमएल में बहुत सारे पेजेस लिख चुके हैं बट मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कोई भी साइड ग्रेटर को यूज़ किया, तो ये इसको कुछ ज़्यादा सीखना आपको जरूरी नहीं हो रही। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को कवर नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर प्रैक्टिकल में, क्योंकि फिर वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो लेस डी बी ओ ग्रेटर देन, ठीक है, डी बी ओ सॉरी गाइस बी डी ओ ग्रेटर देन, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट, अगर आपका कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है तो उसको राइट टू लेफ्ट लेना चाहो या लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स किस तरीके से है, लेस बीडीओ स्पेस डी आई आर, ठीक है, आपको लिखना है लेस बीडीओ डी आई आर इक्वल टू क्वाट, यहाँ पर देखिए आर टी एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एल टी आर लिखो आप, तो ये आर टी एल दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एल टी आर लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट, क्वाट डबल क्वाट ओवर एंड ग्रेटर देन, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत टेक्स्ट लिखे जाते हैं राइट टू लेफ्ट चाहिए होता है किसी कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ लोगों को चाहिए होता है राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये टेक को मैं पूरा और ही कर देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं है। अब नया पी स्टार्ट करेंगे, ओके गाइस, सो नाउ इसको मैं सेव कर दूंगा एंड देन अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है, तो लेस वीडियो डी आई आर डर इक्वल टू क्वाट आर टी एल क्वाट ग्रेटर स्पेस टेक्स्ट इज राइट, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ आर T L space space less B D O greater O D D slash D D O greater control S. अब ये पूरा टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इसका टेस्टिंग होता है और ये तो यहाँ पर अपना HTML का quotation का चैप्टर खत्म होता है और ये बहुत लंबा चैप्टर था। आपको ये वीडियो मेरा बार बार देखना पड़ेगा पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो जिन लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आया है प्लीज़ आस्क मी, और अब अपना एक ही चैप्टर बाकी रहा है HTML comments, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कमेंट्स के बारे में अब इन्फॉर्मेशन देने का वक्त आ गया है, तो मैं दे देता हूँ कि HTML comments क्या होता है। अब देखिए दोस्तों HTML जो कमेंट्स जो सेक्शन होता है वो इस काम के आता है कि जो वेब डेवलपर है जो वेबसाइट का जो डेवलपिंग कर रहा है जो स्टाइल दे रहा है उस वेबसाइट को उसको पता चले एटलीस्ट डेवलपर को कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ करेगी, क्योंकि कमेंट्स कभी डिस्प्ले नहीं होते, कोई भी प्रोग्राम हो कमेंट डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। अपने सी लैंग्वेज में भी कमेंट्स आएंगे और मैं उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स क्या है, और अगला वीडियो हालांकि सी लैंग्वेज का ही आने वाला है तो आप वो वीडियो भी देखते रहना। तो देखिए दोस्तों ये कमेंट्स यूजुअली तभी यूज होते हैं जब कोई डेवलपर को कोई मतलब हिंट देना हो, जैसे कि एच टैग है एच वन टैग है, तो यहाँ पे उसको हिंट देना हो कि ये एच वन टैग है और ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया गया, ये चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, तो ताकि उसको उस तरीके से वो डेवलपर उसको स्टाइल कर सके, क्योंकि वेबसाइट जब बनती है तब कोई एक पर्सन उसको डेवलप नहीं करता है, तब पूरी टीम होती है वेबसाइट डेवलपर की, जो एक टीम एक बंदा होता है जो कि CSS में मास्टर होता है, एक बंदा HTML में मास्टर होता है, एक बंदा JavaScript में मास्टर होता है, और एक बंदा पाइथन या फिर जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है उसमें मास्टर होता है, एक बंदा उसकी एक्सेसिबिलिटी को टेस्ट करता है, एक बंदा होता है वो पूरा एडवाइजर होता है, एक बंदा होता है बग को फाइंड करने वाला, इस तरीके से पूरी साइट बनती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले कभी साइट बना नहीं सकते हो, आप अकेले भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे जब कोई साइट बनती है ऐसे पूरे टीम में तो बहुत अच्छी तरीके से साइट बनती हो, और ऐसे ही पूरा अलग अलग मशीन पे उसका पूरा काम होता है और बहुत ही अच्छे से काम हो भी जाता है पूरा और जल्दी काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमेंट्स सीखना ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कमेंट्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कमेंट्स में जाऊंगा और पढ़ते हैं कमेंट्स क्या है। HTML comments. अब जो कमेंट है कि वो यूज होता है कि इंसर्ट करने के लिए कमेंट्स को HTML फाइल में। Your comments, your dash dash greater. Notice that there is an exclamation point left there, right there in the opening tag, but not in the closing tag. Don't
दोस्तों यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई कि जो कमेंट्स है वो डिस्प्ले नहीं होते ब्राउज़र के द्वारा, लेकिन आपको हेल्प कर सकते हैं कहीं पर भी। अच्छा दोस्तों, इतनी सारी कमेंट्स में चीजें थी, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, और मैं आपको एकदम पूरा पढ़वाने का रीजन भी यही था कि आप पूरा पढ़ो और समझो पूरा, ठीक है। कमेंट्स ऐड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब देखिए कमेंट्स की सिंटैक्स क्या होती है, हेड के बाद एक कमेंट डालता हूँ, ठीक है। हेड टैग को उनके टाइटल से पहले कमेंट डाल देते हैं हम लोग। अब दोस्तों कमेंट कहीं पर भी डालो, कमेंट में कुछ भी लिखो, आप कोई भी कोड हो उसको भी आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कमेंट कभी डिस्प्ले नहीं होता, कंपाइलर उस कमेंट को कभी रीड नहीं करता, ठीक है। ये सी प्रोग्राम में भी कमेंट्स आएंगे, मैं पूरा बोलूंगा कि जब कंपाइलर जब रीड करता है प्रोग्राम को तो जो कमेंट सेक्शन होता है उसको कभी रीड नहीं करता है। तो मैं अभी कमेंट डालता हूँ। कमेंट की सिंटैक्स है लेस देन एक्सक्लेमेशन की मार्क डबल डैश यानी कि दो बार डैश ग्रेटर। अब इसके बीच यहाँ पर एक कमेंट टैग ऑन हो चुका है, ठीक है। अब कमेंट टैग को क्लोज करने के लिए लेस स्लैश, अब यहाँ पर क्या आएगा, मोस्टली आप सब कहोगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दो बार डैश और उसके बाद ग्रेटर देन। ये पूरा कमेंट टैग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा यूज होता है। तो सिंपल तो यहाँ पे दोनों टैग के बीच में, जब टैग के बीच में कुछ भी लिखना होता है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहो जैसे कि ओके, इतना मैंने लिख दिया, दिस इज अ कमेंट, अब इसको सेव कर लिया है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये वेब ब्राउज़र इसको डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों का सिंटैक्स को सिली मिस्टेक है जिस वजह से वेब ब्राउजर उसको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। बट यूजुअली वेब ब्राउजर कमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता है, बट यहाँ पर अपनी सिंटैक्स प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग इसको पूरी तरीके से पहले जल्दी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पे चलेंगे। एंड कमेंट्स में जाएंगे और देख लेंगे अपने अपने से क्या गलती हो रही है। HTML comments, ये guys code सामने रखने का फायदा ये होता है कि हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसकी जो PDFs वगैरह आती है बहुत costly होती है, HTML की जो PDFs आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये free of cost cost है, इसको मैं आपको बता सकता हूँ। अब दोस्तों अपने से गलती यही हुई थी कि कहीं पर भी ग्रेटर साइन नहीं था, ठीक है। हम लोगों ने ग्रेटर साइन जो लगाया वो गलत है। फिर से लिखता हूँ अपनी सिंटैक्स, लेस एक्सलैम यहाँ पे डैश डैश इतना लिखना है, फिर स्पेस दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा कमेंट टाइप करना है, ठीक है। दिस इज कमेंट, फिर स्पेस दीजिए डैश डैश ग्रेटर। तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे लेस में स्टार्ट हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल डैश, फिर यहाँ पे कमेंट आया, फिर डैश डैश ग्रेटर देन। तो यहाँ पे कहीं भी एंडिंग में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना है, ये याद रहे, ठीक है। अब कंट्रोल एस कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली शो कर रहा है दिस इज कमेंट, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो ये पूरा चला गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो दिस कमेंट आ रहा था वो मिट गया, तो ये वेब ब्राउजर ने इसको रीड नहीं किया, लेकिन अपना कोई भी डेवलपर है उसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये कमेंट है, मैंने इसको टाइटल से पहले दिया, कहीं पर भी जहाँ कहीं भी आपका दिल का है वहाँ पर इस चीज़ को कमेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक आया, होगा कि आपको ये तीनों चैप्टर समझ में आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक और तीन चैप्टर के साथ मिलेंगे HTML के, और बहुत जल्दी जल्दी अब तो वीडियो आते रहेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। If you like our videos, please subscribe our channel. For any help or questions, call Aaryan at +91972-691-0927. Email address, techwithaaryan@gmail.com. Thanks.